अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा विद व्लॉग। और ये आपको पता है कि मेरा डेली का व्लॉग आता है और ये हम लोग डेली रूटीन व्लॉग। और ये अम्मी पैसे छुपा रही है मुझसे। और गाइस, तो आज हम लोग बना रहे हैं, हम लोग मतलब अम्मी बना रही है, क्या बना रही है अम्मी? अम्मी बना रही हैं आज मछली का सालन, जो कि कराची स्टाइल, ये सिंधी स्टाइल मछली का सालन नहीं बनता, ये जो हम लोग समंदर की मछली खाते हैं ना, ये वैसा बनता है। अम्मी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आप भी बोल सकती हैं। मैं ये बोलना चाह रही थी, उस दिन जो कल परसों जो सालन, वो तो स्टीम फिश था, वो स्टीम फिश थी और वो मीठे पानी की, जैसे हमारे यहाँ पल्ला मछली होती है, पल्ला मछली कुरड़ो टाइप होती है, जिसको हम सिंधी लोगों को तो पता चल जाएगा। आज मैं बना रही हूँ समंदर की मछली, हीरो मछली, हीरो मछली, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग सर्च कर लेना गूगल, जिंदाबाद। तो ये समंदर की, पर ये बादशाह फिश है समंदर की, हीरो फिश, ठीक है। तो ये हीरो फिश का बन रहा है सालन आज। तो सबसे पहले मैंने लहसुन, लहसुन को पीसा और उसमें हल्दी, पीसी हुई लाल मिर्च और धनिया पीसा हुआ वो ऐड करके और गरम पानी डाल के और ऑयल गरम करके इसमें मिक्स कर दिया और कड़ी पत्ते में डाली आपने। हाँ, कड़ी पत्ते भी, अभी मैं इसको भून रही हूँ। और इसमें आपने मेथी भी शामिल की है? हाँ, मेथी भी, सूखी मेथी, सूखी मेथी भी हमने शामिल कर लेनी है। जैसे कि मैं अभी शोरबे वाला सालन बनाती हूँ तो उसमें आलू जरूरी है जी, और फिश अगर आप चाहें तो आलू नहीं डालें, क्योंकि हमारे घर में आलू पसंद किए जाते हैं, खाए जाते हैं ज्यादा। हाँ, तो आलू और फिश का सालन में, आलू वैसे इस टाइप के सालन में मजा देती है, जो हम लोग सिंधी जो देसी फिश बनाते हैं प्याज वाली, इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डलती इस फिश में, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हम लोग असल में कहते हैं ना, ये क्या होता है, कराची वाली मछली, समंदर की मछली का जो सालन बनता है उसमें प्याज नहीं डलती, वो इस तरह से बनता है। हाँ, तो जैसे और खारे पानी, हाँ, तो इसमें जैसे मीठे और खारे पानी का डिफरेंस है, वैसे ही सालन बना, सालन भी हम लोग डिफरेंट बनाते हैं दोनों का ना। और अब हम ये आगे हैं, हमें छापा खाने, ठीक है, तब इसमें थोड़ा सा पानी, इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड करूंगी, ताकि इस थोड़े से पानी में आलू गल जाए। जब आलू गल जाएंगे तो फिर मैं इसी मसाले में मछली भूनूंगी। अच्छा, पहले तो हम आलू गलने के लिए रख देंगे, जब आलू गल जाएंगे, आधे गलेंगे, तो फिर हम इसमें फिश ऐड करेंगे। और अम्मी जब फिश को भून लेंगी, उसके बाद क्या होगा? ये मोहम्मद अरम, ये आप ही बोलते हैं, ये शैतान बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखो अरम, ये देखो इसकी शैतानी शुरू हो गई है। हमने असल में गैस सिलेंडर लगाया है, आपको पता है कि गैस की हालत क्या है, और सिलेंडर से भी यही गैस आ रही है, पता नहीं क्यों, प्रेशर कम है, गैस भी ये लोग चोरी करके दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये देखें गैस का हाल, और ये हमारा चूल्हा भी बहुत मनोहर शक्ल का, नमक पकाने हैं, उसके बाद मैं इसमें फिश ऐड करूंगी और आगे की। जी ठीक हो गया गैस, तो हम जब तक ये आलू गलते हैं तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। जी गैस, तो आलू जो है वो आधे गले, तकरीबन पूरे गल ही गए, क्योंकि फिश जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है और जल्दी से गल जाती है। तो अम्मी ने फिश धोकर रखी थी और अब भी अम्मी इसमें फिश ऐड कर रही है सालन में। तो अब अम्मी इसको जो है वो ऑयल में भूनेंगी। आप लोग ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल ये खुश खुश होगा, ऐसा भुना हुआ सालन नहीं है, शोरबे वाला सालन बन रहा है और ये बहुत जबरदस्त और टेस्टी बनता है। तो इसमें हम अभी कुछ और भी तो ऐड करते हैं ना लास्ट में, अभी ये गल जाएगी ना थोड़ी, आधी फिश मतलब, तो इसमें आधी कच्ची आधी पकी है, चटपटी बनती है, इमली का पानी, और लास्ट में जितना आप लोग चाहे उतना डालें। और सूखी मेथी हमने पहले भी थोड़ी सी ऐड की थी, वो तो मसाले के साथ लास्ट में ना, जैसे ऊपर से गार्निश करते हैं वो जी, जैसे हम कढ़ाई में अक्सर करते हैं अपने, दम उसमें खुशबू आ जाए इसकी। तो हमने ये फिश डाल दी, अब जैसे ही आधी गलेगी फिश, मतलब अम्मी जब ये भून रही है, क्योंकि इसको भूना मुर्गी की तरह नहीं भून सकते, वरना ये पूरी फिश टूट जाएगी। इसको एक साइड मतलब होगा ऑयल में, अब अम्मी इसमें पानी ऐड करी हल्का सा, ताकि फिश जो है वो आधी गल जाए। जब ये फिश गल जाएगी आधी, तो फिर अम्मी इसमें शामिल करेंगी इमली का पानी। ऐसे भूनती है फिश, तो फिश हम लोग नहीं उसको चम्मच से नहीं उल्टा सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि फिश जो है बहुत नाजुक होती है और वो टूट सकती है। तो फिश का जो सालन है कराची वाले स्टाइल में, समंदरी फिश का सालन, वो इस तरह से बनता है। और ये फिश भी बिल्कुल गोश्त की तरह है, हीरो फिश। हाँ, ये देखें, ये फिश जो है वो ऐसे पे हंस रही है भाई। हाँ, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले किसी बात पे बहस कर रहे थे, वो दुनियावी बात पे, माँ बेटी के रिश्ते पे, माए खौफजदा होती है बेटे तो उसके बाद फिर हम लोग अपना व्लॉग शूट करने लग गए, तो सब इस बात पे हंस रही कि इनको हुआ क्या है, ये कौन से दौरे पड़ते हैं, तो हमें ये दौरे पड़ते थे, हम लोग दुनिया की बातें डिस्कस करते रहते हैं। और ये अम्मी ने लास्ट में, लास्ट नहीं है मतलब,
सेमीफाइनल हो रहा है ये तो मिड में सॉरी। तो हम मम्मी ने इसमें डाल दिए हैं ये क्या क्या डाली हरी मिर्च और ये एमन रो रही थी तो ये रही एमन, इसको मैंने उठाया हुआ है और ये आजकल बहुत गुस्से वाली हो गई है। वैसे बैठी रहती है, पड़ी सोई रहती है, जैसे उठती है तो सबको पागल कर देती है। हाँ अभी अम्मी सोमी के पीछे पड़ गई हैं। तो गाइस जब तक पानी में रखते हैं जी और सोमी पानी में बना रही है भाई। हाँ और आज सोमी बिरयानी बना रही है और बिरयानी हमारे यहाँ बन रही है फिश, ये गोश्त की बिरयानी बन रही है। सोमी ने असल में गैस देखी है, ये गैस देखिए, ये गैस आ रही है, ये हवा वाला गैस आ रहा है। तो इसको सोमी ने कोरमे की तैयारी करना शुरू कर दी है और अम्मी बना रही है तो सोमी बताएगी और उसके बाद आज हाँ सोमी से मैं पूछती हूँ। ये पापलेट फ्राई होगा, देखिए पापलेट फिश आप लोगों ने खाए होंगे, बड़े टेस्टी होते हैं। ये भी किंग है, समंदर के किंग ये है, 5 पापलेट। अब जिसको जो अच्छी लगेगी उसको लोग उसको किंग बोलेंगे, पर असल किंग यही है ना। मम्मी रहते हैं खाने का भी उनका सबका ही टेस्ट भी है और फिर खाने वालों की मर्जी भी है। ये उजमांडी आई है और अंधों की तरह टेबल से टकरा गई है और क्या हुआ है उजमांडी को चोट लग गई है घुटने में। तो ये हमारी जो फिश है वो गल रही है, तो जब तक के लिए जब तक ये फिश गल जाती है और अम्मी देखे पापलेट की सफाई हो रही है। देखे गाइस आप लोग भी सीख लें कि हम लोग फिश खुद साफ करते हैं, हमें जरूर बिस्मिल्लाह। तो गाइस तब तक के लिए स्टे ट्यून इसी से। तो गाइस हम लोग उस चूल्हे से यहाँ शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ पे सोमी ने अपना कोरमा शिफ्ट किया बिरयानी का और इसमें अम्मी ने शामिल किया नमक और अब अम्मी शामिल करें इसमें इमली का पानी बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि ज्यादा खटाई से भी सालन का वो जायका खत्म हो जाता है। हल्की सी खटाई डाल देंगे और ये मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आने दे भाई पानी। और अब अम्मी क्या कर रही है आप इसको? हाँ बस अभी थोड़ा इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मछली जैसे अभी थोड़ी पक गई है और मजीद थोड़ा पानी खुश्क होगा। पानी खुश्क नहीं होगा, ये शोरबे वाला पानी इतना ही होगा, पानी इतना ही होगा, बल्कि आप ऐड करेंगे थोड़ा पानी ताकि उसमें फिश जो है वो गल जाए। फिश गल जाए, चलिए सही। स्लो स्लो पे ही गलेगा, पूरा प्रोसेस स्लो स्लो होगा। अभी फिश समझे तैयार हो गई है, मजीद इसको 10 मिनट चाहिए हमें, 10 मिनट 5 मिनट नहीं नहीं 5 मिनट मजीद इसको 5 मिनट चाहिए और 5 मिनट के बाद ये टेंट है तैयार। और ये सोमी का कोरमा जो है जी अम्मी तो मैं इसमें अभी से मेथी भी ऐड कर देती हूँ। हाँ मेथी हम इसमें ऐड करेंगे, सूखी हुई मेथी ये अम्मी ने ऐड कर ली है और इसमें अब ढक देंगे हम लोग इसको, फिर ये 5 मिनट में पकेगी और पककर तैयार हो जाएगी। ये हो गई फाइनली फिश तैयार, फिश तैयार हो गई है जी गाइस। तो जब तक फिश का सालन बन रहा तब तक अम्मी से फिश के बारे में जो टिप्स है, जो है मिथ्स है कि फिश की जो हीक वो नहीं जाती, फला फला मसाला लगा कर रखो, तो अम्मी आप इसके बारे में क्या बोलेंगी यार? बोलेंगे मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे काफी औरतें होती हैं मेरे ख्याल में जो उनको नया नया पकाने का एक शौक होता है, एक रुझान होता है, फिर लोगों को अपने तरफ होता है कैसे गाइड करना बोलना होता है कि हमने फिश बनाई फिर इस तरह की, जैसे बाजार से कच्ची फिश आई उसमें नमक और हल्दी का लगा दी, सूखा धनिया लगा दिया, सारी तो सिर्फ ऐसे कहने की बातें हैं। अब मेन जो मसला है फिश पकाओ तो पकाने के दौरान उसे भूनो तो उसकी हीट खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अच्छी धुली हुई चाहिए, अच्छी हुई धुली होनी चाहिए, वो तो जो अंदर के जो है ज्यादा गोश्त की तरह तो हम धोने से रहे, उसे ज्यादा पानी बहाओ, ज्यादा पानी बहा के उसके छिलके वगैरह जो भी उसकी नसें होती हैं जैसे खून चिपका हुआ होता है वो सब हटा के फिर किसी जाली में रख दो। और उसके बाद किसी दिन हम मम्मी फिश को साफ करने का भी व्लॉग बनाएंगे क्योंकि फिश साफ करने पापलेट साफ किया था, ये पापलेट साफ करके मैंने रखे हैं अभी जी। और इसमें सिर्फ ना अभी ये फ्राई करना है तो मैंने इसके अंदर घर के मसाले थोड़े भर दिए हैं जिसमें इसमें खटाई है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है और सारे थोड़े इसके अंदर अभी ये सिलो पे फ्राई हो गए तो मसाला अंदर के अंदर चटपटा रहेगा और ऊपर से फिर जब फ्राई हो जाएगा फिर हम सूखा मसाला इसमें जो ड्राई मसाला है वो हम इसमें डाल के ऊपर से थोड़ा सा औरतों की ये फजूलिया जो बहाने होते हैं जिनको वो कहते हैं ना नाचना जाने आंगन टेढ़ा है जिसको ये दूसरी बार मिसाल इसलिए कहा बस हाँ इसलिए कि मैं ये बोलती रहती हूँ कि औरतें कहती हैं कि भाई नमक उसमें नींबू लगा दो, हल्दी लगा दो, ही ऐसी कोई भी कहानी नहीं। हाँ तो ये मोहम्मद अरहम आ गए हैं मुझे तंग करने कि चलो नींद आ रही है, अरहम को नींद आ रही है बहुत ज्यादा, चलो हम लोग जा रहे हैं
रूम में अभी जब तक फिश बनती है, चलो और हम चले। गाइस ये फिश का जो है वो फाइनल लुक ये है और ये सालन तैयार हो चुका है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, समंदर की फिश इस स्टाइल में बनती है तो बहुत लजीज बनती है। और हमेशा घरेलू जो है वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें, पैकेट पे बिल्कुल रिलाय मत करें, पैकेट के खाने अच्छे नहीं बनते। और बिरयानी के अलावा किसी भी मसाले में डाला करें पैकेट के, और अगर आप कभी पैकेट इस्तेमाल भी करें मसाले में होती जी, अम्मी ये कह रहे घर के मसाले में होते हैं, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कभी बिरयानी बनाए तो शान के अलावा कोई किसी पैकेट पे एतबार मत करें। शान बॉम्बे जो बिरयानी पैकेट है वो बहुत बेस्ट है, अगर आप बिरयानी बनाए तो उसी से बनाए, अदरवाइज घर के मसाले हर सालन वगैरह कढ़ाई वगैरह सब घर के मसाले से बनाए। और अब आप लोग मुझे दें इजाजत, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।